हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि ह्यूंडई क्रेटा के रीजंस जो है कि जिस रीजंस के चलते आप उसको कंसीडर कर सकते हो 2023 के अंदर, वो सारे रीजंस हमने आपको डिटेल में वो प्रीवियस वीडियो के अंदर बताए थे। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको आप रेगुलर वीडियोस देखते होंगे। अगर चैनल पे नए हो तो अभी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अपकमिंग कार्स की डिटेल्स के ऊपर भरपूर हर एक ब्रांड की हर कार के बारे में आपको वीडियोस इस चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। प्लस आपको एवरीडे शॉर्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेकर आते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड। प्लस आपको अपकमिंग कार्स की डिटेल्स के क्विक इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी आपको शॉर्ट्स देखने को मिलते हैं इस चैनल के ऊपर। तो इस वजह से आप अगर चैनल पे नए हो तो अभी से सब्सक्राइब कर दो और एवरीडे वीडियोस को देखा करो, ताकि आप भी किसी इन्फॉर्मेशन को मिस ना करो। बाकी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यहाँ पे हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि क्रेटा फेसलिफ्ट के साथ में कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी फेसलिफ्टेड अपडेट के साथ में जो आएगी, उसकी हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना। क्रेटा फेसलिफ्ट के साथ में जब भी आएगी तो कितने चेंजेस को लेकर आएगी, उन सब की हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे, और उसके पहले जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्रेटा के बारे में हमने आपको ऑलरेडी रीजंस के बारे में तो वीडियो के अंदर बताया था, लेकिन क्रेटा की जो लॉन्च डेट है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है, और पिछले कुछ दिनों के बाद से हमने थोड़ी बहुत ज़्यादा मूवमेंट उसके अंदर नोटिस किए। तो लॉन्च डेट कहीं ना कहीं मतलब कुछ दिनों के अंदर ही आपको चेंज देखने को मिलती है। हमें लीक्स के अकॉर्डिंग पता चलता है कि 3 या 4 दिन जब भी होते हैं तो उसके बाद तुरंत क्रेटा की लॉन्च डेट की जो एक्सपेक्टेड डेट होती है वो चेंज हो जाती है, और इसीलिए हमें आपके लिए वीडियो नया बनाना पड़ता है, ताकि आप वो पुराना वीडियो देख के पुरानी इन्फॉर्मेशन को लेके ना चलो। तो एक्सटीरियर से बात करेंगे, सबसे पहले गाड़ी के फ्रंट से शुरुआत करेंगे। फेसलिफ्टेड क्रेटा जब भी आएगी तो उसके फ्रंट के अंदर आपको पूरी चीज़ें सेम देखने को नहीं मिलने वाली, अभी वाली के मुकाबले पूरा फ्रंट फेस ही आपको चेंज देखने को मिलने वाला है। इन दी सेंस मेरा मतलब यही है कि आपको नई ग्रिल देखने को मिलेगी जो कि ह्यूंडई ट्यूसो से इंस्पायर्ड होगी, जो कि फुल्ली ट्यूसो से इंस्पायर्ड होगी। तो बेबी ट्यूसो आपको अब लगने वाली है क्रेटा फेसलिफ्ट। अब बात करें DRL की, तो DRL भी आपको मर्ज देखने को मिलेगी ग्रिल के अंदर, तो वो भी आपको नई डिज़ाइन के साथ में देखने को मिलने वाली है। फ्रंट की रेडिएटर ग्रिल आपको चेंज देखने को मिलेगी, तो इस वजह से आपको फ्रंट बम्पर भी चेंज देखने को मिलेगा, और फ्रंट का जो फॉग लैंप्स का सेटअप या रिप्लेसमेंट होगा वो भी आपको चेंज देखने को मिलने वाला है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, और फ्रंट के अंदर तो ये सारी चीज़ें आपको चेंज देखने को मिलेगी। अब साइड प्रोफाइल की बात करें कि साइड प्रोफाइल के अंदर कितने चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, तो लिटरली डायमेंशंस के अंदर कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फेसलिफ्ट है, कोई न्यू जनरेशन तो है नहीं। तो इस वजह से टायर साइज सेम रहेगी, डायमंड कट अलॉय व्हील्स की डिज़ाइन जो है वो चेंज हो सकती है, बाकी डायमेंशंस वगैरह सब कुछ सेम रहने वाला है। रियर की बात करें तो रियर के अंदर आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स हटा के आपको सेपरेटेड टेल लैंप्स फेसलिफ्ट के साथ में देखने को मिलने वाली है। आपको रियर का बम्पर जो होगा वो भी अपडेटेड, मतलब कि जो जैसे फ्रंट का जैसे कैरेक्टर के साथ में आएगा वैसे सेम आपको रियर का भी देखने को मिलने वाला है। इस वजह से आपको रियर के अंदर भी इतने चेंजेस देखने को मिलेंगे गाड़ी के साथ में। पैनोरमिक सनरूफ आपको वॉइस असिस्टेंट के साथ में देखने को मिलने वाला है, वो भी एक अच्छी चीज़ होने वाली है, और उसके अंदर कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के फीचर्स होंगे, वहाँ पे भी आपको ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलने वाले। आपको शार्पिन एंटीना देखने को मिलेगा, ड्यूअल टोन कलर ऑप्शन आपको गाड़ी के साथ में देखने को मिलेंगे, Level 2 का एडास आपको देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ 360 डिग्री कैमरा भी आपको गाड़ी के साथ में नया एडिशन इन द सेंस ऑफ फीचर्स आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको नई देखने को मिलने वाली, तो इस वजह से आप देख सकते हो कि एक्सटीरियर के अंदर कई सारी चीज़ें आपको नई देखने को मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इंटीरियर की बात करेंगे कि इंटीरियर के अंदर कितनी चीज़ें आपको नई देखने को मिलेगी। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से बात करेंगे तो फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको गाड़ी के साथ में देखने को मिलेगा। उसके साथ में आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल देखने को मिलेगा, लेन की असिस्ट या फिर लेन डिपार्चर वार्निंग, ये सारी चीज़ें आपको, रेडार ब्रेकिंग, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि Level 2 का एड्रेस आपको गाड़ी के साथ में देखने को मिलने वाला है। इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको अपडेटेड देखने को मिलेगी, जैसे हमने ऑलरेडी देख लिए, मतलब कि अपडेटेड तो हो चुकी है, लेकिन उसके साथ में नया UI और थीम आएगा, तो इस वजह से और ज़्यादा फ्लूइड हो जाएगी। कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको गाड़ी के साथ में देखने को मिलेगा। फ्रंट आर्मरेस्ट के अंदर कूलिंग फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। जो सीट्स होगी फ्रंट की वो दोनों इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होगी, और जो ड्राइवर सीट होगी वो आपको मेमोरी फंक्शन के साथ में देखने को मिलने वाली है, तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। बात करें रियर की, तो रियर की सीट के ऊपर तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, प्रॉपर रियर एसी वेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, रियर की विंडोज के ऊपर प्रॉपर रिट्रैक्टेबल सनशेड या फिर सनशेड देखने को मिलेगा जो कि रिट्रैक्टेबल होगा, और उसके अलावा जो जितने भी आपको लेदर के टचेस होंगे डैमेज इन दी डैशबोर्ड, आपको वो भी लेआउट के अंदर अच्छे से फिनिश्ड होंगे, इस वजह से और ज़्यादा प्लश आपको नज़र आएगा इंटीरियर। प्रॉपर आपको वायरलेस चार्जर का पैड देखने को मिलेगा, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा,
इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर बदलाव आपको ज़्यादातर गेमिंग की फीचर्स के साथ में होने वाले हैं, तो इस वजह से आपको अंदर कनेक्टेड कार टेक के फीचर्स और ज़्यादा बढ़ा दिए जाएंगे, और जो ब्लू लिंक के फीचर्स हैं उसके अंदर भी आपको और ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स या फिर और ज़्यादा नंबर ऑफ़ फीचर्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ब्लू लिंक के ऊपर भी Hyundai के अकॉर्डिंग उन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है। जैसे उन लोगों ने ऑलरेडी ग्लोबल के अंदर गाड़ी को अनवील कर दिया है, तो इस वजह से हमें यह भी पता है कि कनेक्टेड कार टेक के जो फीचर्स है वहाँ पर भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हुए। 360 डिग्री का पार्किंग कैमरा के साथ साथ वेंटिलेटेड सीट्स आपको फ्रंट की दोनों प्रॉपर देखने को मिलेगी। स्टेयरिंग व्हील की डिज़ाइन जैसी अभी आ रही है वही सेम रहने वाली है, वहाँ पे कोई भी चेंज आपको गाड़ी के साथ में देखने को नहीं मिलने वाला है। अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होने वाला है इंजन एंड गेयरबॉक्स ऑप्शन, वहाँ पे कितने चेंजेस होने वाले उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपको जितने भी चीज़ें आपको मिलती है इंजन और गेयरबॉक्स के टर्म्स के अंदर, उतनी चीज़ें आपको आज की डेट के ऊपर भी कंपटीशन में कोई भी गाड़ी और प्रोवाइड नहीं करती है, तो इसी वजह से आप बोल सकते हो कि कोई भी चेंज या फिर कोई नया एडिशन या फिर कोई रिमूवल वहाँ पे नहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गाड़ी के साथ में इनफ आपको इंजन ऑप्शंस और गेयरबॉक्स ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो इस वजह से आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आपको और ज़्यादा उससे भी ज़्यादा आपको फीचर्स देखने को मिले। तो ये भी चीज़ें आप बोल सकते हो कि आपको ज़्यादा देखने को मिले, मतलब कि ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हो कि कॉम्पिटिशन के कंपेरिजन में ज़्यादा ही देखने को मिलती है आपको। क्रेटा फेसलिफ्ट के साथ में भी वही सेम चीज़ें आपको देखने को मिलने वाले। अब आगे बढ़ेंगे और लॉन्च डेट और प्राइसिंग की बात करेंगे, जिसके लिए आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो। सबसे पहले प्राइसिंग की बात करेंगे कि गाड़ी के साथ में जो प्राइसिंग होने वाली है वो कहाँ तक होने वाली है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ इसके साथ में जो वेरिएंट्स वगैरह आने वाले हैं वो हमने आपको ऑलरेडी जो सीएनजी वाले शॉर्ट्स है या फिर जो रीजन्स वाले शॉर्ट है जहाँ पे हमने आपको रीजन्स बताया क्रेटा फेसलिफ्ट के लिए रुकने के लिए, तो ये सारे रीजन्स के जो वीडियोज वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कितने एग्जैक्ट वेरिएंट्स के साथ में सीएनजी भी आएगी और जो क्रेटा इनलाइन के वेरिएंट्स होने वाले वो सारी चीज़ों के बारे में भी हमने आपको क्रेटा इनलाइन के डेडिकेटेड वीडियोज़ के अंदर बताया, क्योंकि कई लोग ये डाउट्स या फिर क्वेश्चन है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं कि क्रेटा के साथ में कितने ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले। प्राइसिंग की बात कर रहे थे तो 10 टू 17 लैक्स एक्स शोरूम, और ऑन रोड की बात करें तो 22 लैक्स ऑन रोड जाएगी और एडास वाले वेरिएंट 24 लैक्स ऑन रोड जाएंगे, तो यही से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ज़्यादा इंक्रीमेंट प्राइसिंग के अंदर देखने को नहीं मिलने वाले। एडास वाले वेरिएंट आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ेंगे अभी के अकॉर्डिंग, तो यही प्राइसिंग सामने आई है। अगर कोई चेंज होगा तो आपको नए वीडियोज़ के अंदर वो पता चल जाएगा। अब लॉन्च की बात करेंगे तो वो जुलाई 2023 होने वाली है, अभी के लीक्स के अकॉर्डिंग यही है कि जुलाई के अंदर इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च है। बाकी वहाँ पे भी अगर कोई चेंज आता है तो आपको आगे आने वाले वीडियोस के अंदर सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर यही था, आई होप इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ, थैंक यू।